अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। यहाँ हमारा नाश्ता तैयार हो चुका है और आज नईम हमें छोड़कर गए हैं सुबह ही सुबह, क्योंकि उनके मरीज़ों की सुबह में सोई हुई थी तब से उनकी इतनी कॉल्स आ रही थी, तो जब हम सोकर उठे तो आगे नईम रेडी थे और कहने लगे कि मुझे जल्दी जाना है, मरीज़ों ने बहुत ज़्यादा कॉलें कर करके मुझे परेशान किया हुआ है। तो वो भी ज़ाहिर है क्या करें, उनको भी ड्रेसिंग तो करवानी है ना, तो परेशान होते हैं, ज़ाहिर है तकलीफ़ भी होती है और बीमार भी हैं लोग, तो इसलिए नईम को जल्दी जाना पड़ा और बच्चों को चीज़ भी दिला के गए हैं। और साथ ही मैं आप लोगों को दिखाती चलूं कि ये देखिए एक बड़ी अच्छी सी क्रीम कहने लगे न्यू आई है ये, क्योंकि अजान के फेस पे और पैरों पे जो है ना थोड़े धड़ टाइप की कुछ चीज़ सी, तो वो इस वजह से। तो ये जो क्रीम है ये न्यू आई है और ये जैसे एलर्जी हो गई, फंगस हो गया या धड़ ख़ारिश, इन चीज़ों के लिए है, बहुत अच्छी। तो ये अगर किसी के साथ इस तरह का कोई मसला हो तो वो इस्तेमाल करें। और आज से मैंने ये अजान को लगाना स्टार्ट की है, अभी देखें अजान को अगर फ़र्क पड़ता है तो फिर मैं आप लोगों को वो भी बताऊंगी। और ये बहुत अच्छी क्रीम है, नईम ने मुझे बताया। और अजान दिखाओ, ये अपना ये अजान को ना धद्दर सी है, ये ठीक ही नहीं होने पर आ रही, काफ़ी दिनों से ये ट्यूब लगा रहा था और ये इसको पाँव पर भी निकली हुई है। तो ये जो है ना अब ये लगाएगा, ये साइकिल से इसको हुआ था, थोड़ा सा निशान पड़ा था, तो वो बस वही बात है, बच्चे हैं ना ख़ारिश वगैरह करते हैं तो बिगड़ जाता है। तो अब ये अली क्रीम लगाना स्टार्ट की है, तो अगर फ़र्क पड़ा तो आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी। और यहाँ हमारी चाय ठंडी होने लगी है तो चले हम नाश्ता कर लें। आज जनाब मैं कपड़े धो रही हूँ और बच्चों के यूनिफॉर्म थे जो कि मैंने हाथ से धोने थे, मगर मैंने कहा कि चलो पिछली बार मैंने बेडशीट नहीं धोई, इस बार मैं बेडशीट भी धो लेती हूँ और साथ में बच्चों का यूनिफॉर्म भी धो लूँगी, तो वही मैंने धोए। और ये बच्चा मुझसे बड़ी मस्तियाँ कर रहा है, ये बड़ा बच्चा गंदा बच्चा है, ये बड़ा ही गंदा बच्चा है। ये गंदा बच्चा बदमाशी कर रहा है मेरे साथ, बस दो चक्कर मैंने पहले धोए हैं, अभी आखिरी चक्कर डला हुआ है मशीन में, पैंटें हैं और चादर है, बेडशीट है। हाँ भाई अजान में मानो टीवी देख रहे हैं, मानो करी मम्मा ये भी तो बताओ हम लोग टीवी देख रहे हैं। हसान को बड़ी मस्ती चढ़ी हुई है, तो चलें बस ये फ़ाइनल करें और फिर उसके बाद सफाई करें, चीज़ें वगैरह मैंने सारी समेट ली हैं। हसान को सुला के मैं जल्दी से गई और जाके नहाकर आ गई, और पहले मैंने सारा काम ख़त्म किया, सहन भी धो लिया, और अब बच्चों को बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी तो मैंने चावल गर्म किए हैं कल वाले। बोटी तो इसमें एक भी नहीं है मगर टेस्ट बहुत अच्छा है इसका, वैसे भी खाए जाएँगे, चटनी वगैरह डाल के खा लेंगे। और यहाँ बच्चे पहले पढ़ रहे थे और अब देख रहे हैं कार्टून, बहुत ज़्यादा थकावट हो जाती है काम करने के बाद, कपड़े वगैरह धोए तो थोड़े ही थे कपड़े, इतने ज़्यादा नहीं थे, मगर थक गई हूँ क्योंकि सफाई है, बर्तन है, फिर बच्चे हैं, सबको साथ में लेके चलना पड़ता है। तो चलें फिर हम लोग खाना वगैरह खाते हैं, तो फिर आपसे दोबारा बात करती हूँ। आवाज़ से तो चाहिए देगा, देखना हसान ज़रा इसकी पिटाई लगाना, हसान ज़रा इस गंदे की पिटाई लगा दो, मारो इसको। ओ ये बकरे की आवाज़ कहाँ से आ रही है? ये बकरे की आवाज़ कहाँ से आ रही है हमारे घर में आज? कौन है?
सुबह टीचर देगी जब सुबह स्कूल जाओगे तो। बाबू राजा, ए मेरा राजा, ओ, ओ। चलो फुल लैंडिंग, फुल लैंडिंग होगी, सही लैंडिंग होगी। और बारिश होगी, बारिश बारिश। और छाता को क्या हुआ? और छाता पड़ गया। फिर से लैंडिंग करते हैं। दो हसन को, तो हसन को दे दो। नहीं, बादशाह सलामत तशरीफ ला रहे हैं भाई। बादशाह सलामत के ऊपर जो है ना बारिश हो रही है। पकड़ो हसन, पकड़ो हसन को दो। ये इसकी डंडी भी आपने तोड़ दी जी? नहीं, आप नहीं तोड़ी, आपके पास है, ये दे दो मुझे। मानो सही कह रही थी, इसका मतलब है कि भैया ने मेरा छाता तोड़ दिया। पकड़ो हसन, पकड़ो। मम्मा दोनों चिड़िया आप पे गई हैं, आप पे। खाने का टाइम हो गया है और टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया है। आज बनी है लाल लोबिया और साथ में ये बॉयल चावल भी हैं, मगर बच्चों के लिए मैंने बनाई है घी वाली रोटी। बच्चे खाएंगे रोटी और मैं खा रही हूँ चावल। हमारी वीडियो को हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़। हसन बाय बाय करो। बाय 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 जो ना मेरा बेबी, बाय बाय।